सोलन बिजली बोर्ड का बकाया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोविड संकट की वजह से पहले बिजली बोर्ड ने बकाया राशि को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं की थी, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद बिजली विभाग ने सख्ती करना शुरू कर दी है। विभाग ने उन सभी लोगों की सूची बना ली है जो बिजली विभाग के बिल समय पर जमा नहीं कर रहे हैं और उन्हें नोटिस भी जारी किए हैं। बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोलन वासियों ने कईयों ने अभी तक बिल अदायगी नहीं की है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सोलन डिवीजन का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विभाग को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब विभाग डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उपभोक्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं और अगर फिर भी बिल जमा नहीं होते हैं तो मीटर का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति समय पर बिल जमा नहीं करवा रहे हैं उसे विभाग हर माह 1.5% अतिरिक्त सरचार्ज भी वसूल रहा है। सर, अभी जो हमारा कोरोना काल जब से शुरू हुआ, कोरोना का दौर शुरू हुआ मार्च के बाद में, हमारी थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग सोलन डिवीज़न का हमारा जरूर बढ़ा है, बट अभी लोगों से हमारी फिर भी यही अपील है कि काइंडली वो अपना बिल जो है वो टाइमली दें, क्योंकि बिजली विभाग भी अपनी जो आउटस्टैंडिंग जो है हमारा इतना बढ़ रहा है कि उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए अभी हमने नोटिस सर्व करने भी शुरू कर दिए हैं और नोटिस सर्व करने के बाद में जो है वो डिस्कनेक्शन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो लोगों से अपील है कि वो अपनी जो है ड्यू डेट्स में अपना बिल दें, और साथ में उनको ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो ड्यू डेट्स में जो लोग बिल नहीं दे रहे हैं उनको लेट पेमेंट सरचार्ज भी पड़ रहा है, जो कि हमारा 1.5% पर मंथ है। ठीक है जी, 1.5% पर मंथ, 1.5% पर मंथ जो है वो बिल पे आपका लेट पेमेंट सरचार्ज पड़ता है। उसके अलावा जो डिस्कनेक्शन करने के बाद में, अगर उनका डिस्कनेक्शन हो जाता है तो डिस्कनेक्शन के बाद में भी उनको 200 रुपये रीकनेक्शन चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। तो इससे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें भी अपनी जो मैन पावर है जो हम अपना इम्प्रूवमेंट के काम करना चाहते हैं तो उससे हटके हमें सिर्फ इसी इन कामों में लगना पड़ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते कि हम लोगों को जो है बिजली काटें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजली काटने के लिए नहीं, हम लोगों को बिजली की सुविधा देने के लिए और बिजली पूरी मतलब क्वालिटी पावर सप्लाई देने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम किसी की भी बिजली काटें, बट बीइंग कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बोर्ड भी जितना घाटे में जाता है या फिर हम रिकवरी नहीं कर पाते हैं लोगों से तो उससे बोर्ड को लॉस होगा और इम्प्रूवमेंट के काम जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें लोगों से बस इतनी अपील है कि ड्यू डेट्स में अपना बिल दें, और अगर कोई भी दिक्कत आती है, बिल से संबंधी कोई भी परेशानी है तो वो सब डिवीज़न में आएँ, हमारे पास इधर डिवीज़न में आएँ तो हम आपको पूरा क्लियर करके देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को भी बिल ज़्यादा जा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो टाइमली बिल दें, उसी में जो सरचार्ज है उसको अपना रिड्यूस करें, क्योंकि सरचार्ज जो 1.5% पर मंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बड़े बिल के लिए। तो शहर में हमारे 3 सब डिवीज़न हैं और 1 सब डिवीज़न है हमारा सुबाठू में और दूसरा है हमारा कंडाघाट में, तो टोटल 5 में से 3 शहर के हैं और सब डिवीज़न सुबाठू और कंडाघाट में। तो जो शहर के सब डिवीज़न हैं इनमें लगभग कोई 1600 से 1700 के करीब जो है वो नोटिसेस निकल चुके हैं, जो कंज्यूमर्स को पैसा जमा करवाने के लिए जिसमें नोटिस दिए गए हैं कि वो पैसा अपना जो है टाइमली जमा करवाएं, अदरवाइज जो है 15 दिन में हम डिस्कनेक्शन करेंगे। तो बाकी जो रूरल सब डिविजन हैं वहाँ पे लगभग 250 से 300 के बीच पर सब डिविजन जो है वो नोटिसेस भी निकले हुए हैं, तो उस पर जो है रिकवरी की प्रोसेस जो अभी हमारी शुरू हो चुकी है। तो लोगों से अपील है कि वो टाइमली डिपॉजिट करवाएं अपने जो भी बिल है उसका अमाउंट।